जय श्री राम। सबसे पहले आप सभी को इस दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आप पर व आपके परिवार के सभी सदस्यों पर सदा बनी रहे। इस दीपावली माँ लक्ष्मी का वास आपके घर पर हो और सुख शांति धन दौलत सौभाग्य से आपका घर सदा ही भरा रहे। जय श्री राम, जय हनुमान। चलिए जानते हैं कर्क राशि का हाल। 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है? दोस्तों, हमारा यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। यह समय कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष का समय है और कर्क राशि वालों के लिए बेहद खास और शानदार है। सप्ताह की शुरुआत में 21 तारीख सोमवार को अष्टमी तिथि रहेगी और चंद्रमा इस दिन कर्क राशि से गोचर करेंगे। दिन की शुरुआत थोड़ी मध्यम हो सकती है, लेकिन दोपहर बाद का समय शाम को बड़ी मात्रा में फायदा मिलने की उम्मीद होगी और यह समय उचित निर्णय लेने के लिए खास होगा। अपने बिजनेस में, व्यापार में इनकम बढ़ते हुए दिखाई देगी। शाम के समय में मन परेशान भी हो सकता है और सेहत संबंधी समस्याएं भी आपको बन सकती हैं। दोस्तों, 21 तारीख को बेवजह ही मन परेशान रहेगा। बात करें 22-23 की, तो 22 तारीख मंगलवार को नवमी तिथि रहेगी और चंद्रमा कर्क राशि से ही गोचर करेंगे। दिन में शनि का नक्षत्र और शाम को बुध का नक्षत्र होगा। कर्क राशि वालों के लिए ट्रैवलिंग इस दिन होने वाली है और अपने काम के लिए आपको कहीं दूर भी जाना पड़ सकता है। नए लोगों से मिलना जुलना होगा। हालांकि आपका हौसला और पराक्रम देखने वाला होगा और मेहनत भी आप इस दिन अधिक करने वाले हैं। किस्मत का साथ भी आप पाएंगे। अपने कामों से सामान्य धन लाभ मिलते हुए दिखाई देगा। बात करें 23 तारीख बुधवार की, इस दिन दशमी तिथि रहेगी और इस दिन चंद्रमा दोपहर तक कर्क राशि में, उसके बाद सिंह राशि से गोचर करेंगे। धन की स्थितियां अब अच्छी होंगी और बड़ी मात्रा में फायदा बुधवार के दिन मिलेगा। परिवार में सुख शांति बनेगी। राजकीय व सरकारी कामों में सफलता प्राप्त होगी। मान सम्मान बढ़ते हुए दिखाई देगा और इस समय में लोग आपसे प्रभावित रहेंगे। जॉब करने वालों को प्रमोशन मिल सकती है। बड़ी कामयाबी 23-24-25 को मिलते हुए दिखाई देगी। 24 तारीख गुरुवार की बात करें तो एकादशी तिथि और चंद्रमा इस दिन सिंह राशि से ही गोचर करेंगे। बड़ी मात्रा में फायदा और धन लाभ और कई तरह की खुशियां आपके जीवन में आएंगी। स्टूडेंट्स को बड़ी सफलता इस समय में प्राप्त होगी। शिक्षा के क्षेत्र में कंसंट्रेशन अच्छी बनी रहेगी। अपने टीचर्स का और अपने मित्रों का साथ भी आप पाने वाले हैं और पारिवारिक स्थितियां भी बहुत अच्छी रहेगी। इस समय में घर में मांगलिक कार्य तक हो सकते हैं। मेहमानों का आना जाना होगा और यह समय आपके लिए बहुत शुभ होगा। 26-27 की बात करें तो 26-27 तारीख को आपको कुछ ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है। मेहमानों के यहाँ आना जाना होगा। शॉपिंग भी आप करेंगे। मित्रों के साथ घूमना फिरना भी होगा। मौज मस्ती से भरा यह समय आपके लिए बहुत शुभ होगा। छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली, इन दो दिनों में बहुत ज़्यादा बिजी आप रहने वाले हैं। छोटी दिवाली पर चंद्रमा का नक्षत्र और चंद्रमा कन्या राशि से गोचर करेंगे, जिस वजह से मान सम्मान आपको अपना बढ़ते हुए दिखाई देगा और सामाजिक स्तर पर भी आपका दायरा बढ़ेगा और आपकी एक नई पहचान समाज में कायम होगी। नए नए लोगों से संबंध बनेंगे और धन की स्थितियां भी अच्छी होंगी और मन में प्रसन्नता बनेगी। 27 तारीख रविवार की बात करें तो चतुर्दशी तिथि रहेगी। इस दिन चंद्रमा कन्या राशि से गोचर करेंगे। दोपहर बाद तुला राशि में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, दिन का समय आपके लिए बहुत जबरदस्त होगा और शाम को भी बहुत बड़ी खुशी आपको मिलने वाली है। दीपावली के दिन मंगल का नक्षत्र होगा, जो कि करियर में आने वाली समस्याओं को दूर करेगा और अपनी जॉब से, अपने बिजनेस से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको जरूर मिलेगी। नए काम मिलेंगे और बड़ी मात्रा में धन लाभ होगा। जॉब करने वालों की भी इनकम बढ़ सकती है। बोनस प्राप्त हो सकते हैं। जॉब में आपको प्रमोशन मिल सकती है। अचानक से कोई शुभ समाचार मिल सकता है और नए संबंध आपके अपने कार्यस्थल पर कायम होने वाले हैं। इसके अतिरिक्त व्यापारियों को भी बड़ा फायदा मिलेगा। अचानक रुका हुआ धन आप तक पहुंचेगा। इस समय में संतान के सुखों में वृद्धि होगी और बच्चों को आने वाली परेशानियां भी दूर होंगी। लव लाइफ भी खास बनते हुए दिखाई देगी और घर परिवार में भी सुख शांति बनी रहेगी। कुल मिलाकर दीपावली का यह त्यौहार कर्क राशि वालों के जीवन में बहुत सी खुशियां लेकर आ रहा है और इसके साथ साथ ही माँ लक्ष्मी की अपार कृपा भी आपको इस बार प्राप्त होगी।
दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें।